Now, students, yesterday we discussed types of vectors. Yes, we discussed types of vectors. उसमें हमने बहुत varieties of vectors पढ़े. Quickly, I just go through. Types of vectors. One was equal vector. जब दो vectors जिनका equal magnitude इक्वल डायरेक्शन सेम डायरेक्शन एंड सेम यूनिट इक्वल वेक्टर होते हैं. ओके, आई गिव एग्जांपल. अगर सारे वेक्टर्स पैरेलल जा रहे थे सेम लेंथ के, मैग्नीट्यूड सेम है और पैरेलल जा रहे हैं, ये सब क्या हो गए मेरे इक्वल वेक्टर्स हो गए. दिस ऑल आर माय इक्वल वेक्टर्स. Then we discuss about negative vector. Negative vector मतलब किसी vector का उल्टा. Suppose ये मेरा vector AB है, 5 units इस direction में. तो negative क्या हो जाएगा? ये मेरा AB vector है. तो minus AB हो जाएगा मेरा. ये हो जाएगा उल्टा. Minus AB को BA भी लिख सकते हैं. तो ये point B हो जाएगा, ये point A हो जाएगा. It becomes negative vector. मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन उल्टा. पैरेलल वेक्टर मतलब दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं, मतलब क्या सेम एंगल और डायरेक्शन. तो दो वेक्टर्स के बीच में सेम डायरेक्शन होता है. एग्जांपल ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर क्या मेरे पैरेलल वेक्टर हैं. क्यों? क्योंकि दोनों सेम एंगल पे है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों मेरे x एक्सिस के साथ सपोज 30 डिग्री. एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं. दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स जो सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर में, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी. दीज बोथ आर कोलिनियर वेक्टर्स. कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन पे होते हैं, विच आर ऑन सेम प्लेन. सपोज आई मेक अ क्यूबॉइड. देखो आई हैव डिफरेंट प्लेन्स. ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा दूसरा, ऐसे करके आई हैव सिक्स प्लेन्स, ये मेरा तीसरा. नाउ वेक्टर्स जब एक प्लेन पे है, मतलब सब वेक्टर्स फर्स्ट प्लेन पे है, ये चारों वेक्टर्स क्या हो गए मेरे कोप्लेनर वेक्टर्स. अब वन और थ्री के वेक्टर्स है दो, तो प्लेन वन के वेक्टर्स है. सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर एक्स है. वेक्टर ए एंड वेक्टर एक्स दे आर नॉट कोप्लेनर, दे आर नॉट कोप्लेनर, बट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स बिकॉज दे आर ऑन सेम प्लेन. वी डिस्कस दैट. कॉन्कुरेंट वेक्टर्स. कॉन्कुरेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो ए की पॉइंट्स है, जो ए की पॉइंट्स है, ए की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दे आर नॉन एज कॉन्कुरेंट वेक्टर्स. या फिर उनका लाइन ऑफ एक्शन, उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. जब ये तीन वेक्टर है, ये वेक्टर ए है मेरा, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है. तीनों वेक्टर के तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ये कॉन्करेंट वेक्टर है क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर सेम पॉइंट. यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वन होता है. सो व्हाट इट टेल्स ओनली डायरेक्शन, इट टेल्स ओनली डायरेक्शन. एग्जाम्पल आई गेव, सपोज 3i + 4j है मेरे पास, इसका यूनिट वेक्टर है. सपोज ये वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर आई डिनोट बाय ए कैट विच इज वेक्टर ए बाय मॉड ए बिकम्स 3i + 4j अपॉन 5. ये मेरा यूनिट वेक्टर है. इट इज ओनली टेलिंग द डायरेक्शन, राइट? तो मैं किसी वेक्टर को, सपोज वेक्टर एक्स है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. आई कैन ब्रेक इट इनटू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. लाइक वेक्टर ए, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड ए कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 5 है एंड ए कैप क्या है मेरा 3i + 4j / 5. ये मेरा एक है. अब सॉल्व करोगे 5 5 कट जाएगा,
आपको वापस क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए मिल जाएगा। ये मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं, सपोज मेरा वेक्टर है ये 6 यूनिट्स 30 डिग्री, मेरा वेक्टर ए है सपोज 6 एंगल 30, ये मेरा पोलर फॉर्म में है। अब मैं इसको कैसे इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगा, दिस इज माय ए कैप। दिस इज हाउ वी राइट यूनिट वेक्टर इन ट्रायंगुलर एंड पोलर। जस्ट वेट वेट मीटिंग रूम इज नाउ। ठीक है, जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है वो जीरो वेक्टर होता है। एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, फिर डायरेक्शन होगा इसका कोई भी रैंडम, किसी भी डायरेक्शन में आप डायरेक्शन ले सकते हैं बिकॉज ये जीरो वेक्टर है। आप कहीं पे भी डायरेक्शन लगाओगे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में और थोड़ा समझना है, यू कैन गो थ्रू यस्टरडेज रिकॉर्डिंग। एक रिकॉर्डिंग करप्ट हो गया था, बट वन रिकॉर्डिंग इज देयर, एटलीस्ट आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स में मिल जाएंगे। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, ओके, सी नाउ, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये वेक्टर्स की पोलर फॉर्म में, आई कैन से अबाउट पोलर फॉर्म। अगर मैं किसी वेक्टर को 2π से रोटेट करता हूँ, 2π मतलब 360, सपोज ये 60 डिग्री है, ये वेक्टर ए, अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 360 से, तो वेक्टर क्या होगा, सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो डिफरेंस, वेक्टर रिमेन्स द सेम। ये 60 है और सपोज ये 360 है, सॉरी 420 है, सेम रहेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहे हैं, दोनों एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहे हैं। तो इफ अगर मैं एक वेक्टर को रोटेट कर दूं, रोटेट कर दो 360 से, 2π मतलब 360 डिग्री से, कुछ फर्क नहीं आएगा। सपोज ये वेक्टर है मेरा, ये वेक्टर है मेरा सपोज 210, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 360 से, पूरा घुमा के वापस इसको ले आऊं, जब भी वेक्टर क्या रहेगा, x एक्सिस से कितना एंगल रहेगा, सेम रहेगा, 210 ही रहेगा, 210, और यू कैन राइट 210 प्लस 360, एक ही बात। ठीक है, आ रहा है समझ में, यू आर गेटिंग, हाउ मेनी अंडरस्टूड, राइट। आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा, आप किसी को भी 360 डिग्री से रोटेट करते हो तो फर्क नहीं पड़ता, राइट, ट्रिग्नोमेट्री में सेम थिंग है। ओके, नेक्स्ट, इफ वेक्टर इज मूव ऑन अ प्लेन इट रिमेन्स सेम। अब देखो एक वेक्टर है, सपोज ये मेरा एक एक्स वाई प्लेन है, ये वेक्टर है मेरा ए बी, चलो ए है पूरा, पूरा वेक्टर ए से डिनोट कर देता हूँ। अब देखो वेक्टर को दो तरीके से डिनोट कर सकते हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लेके ए बी ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, या पूरे को ऐसे मार्क कर दिया ए। अब मैं इसको मूव करता हूँ, आई मूव इट एनी वेयर, कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड एंगल सेम, डायरेक्शन में सेम रखता हूँ, इसको मैं मूव करता हूँ, सो इट इज अलाउड, आई कैन मूव वेक्टर, इट विल नॉट कॉज एनी डिफरेंस। सो इफ आई मूव प्लेन देन इट रिमेन्स द सेम, वेक्टर सेम रहेगा। तो सारे मेरे वेक्टर हैं, अगर इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, मैंने आपको जब इक्वल वेक्टर पढ़ा रहा था, मैंने आई वाज टीचिंग यू इक्वल वेक्टर, इफ यू रिमेम्बर, आई टोल्ड सपोज ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है, दैट टाइम आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेम्बर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर, वाई, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है बिकॉज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं अगर एक वेक्टर को, अगर मैं ए बी को यहाँ पे भी मूव कर देता हूँ, ये एक्स वाई हो जाता है, फिर यहाँ पे भी मूव कर सकता हूँ, ये पी क्यू हो जाता है, बट ये क्या होंगे, चारों वेक्टर्स एक ही है, चारों ए बी है, क्यों,
क्योंकि दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है आपस में, ठीक है। दिस इज अबाउट माय सेकंड प्रॉपर्टी दैट इफ आई मूव वेक्टर ऑन अ प्लेन, अगर एक प्लेन में वेक्टर को मूव करता हूं कोई चेंज उस पर नहीं आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट। सपोज मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, अब देखो ये एंगल अगर 120 है और ये एंगल 240 है, सो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120, नॉट बिगर वन। ऑलवेज रिमेंबर दो वेक्टर का एंगल हम सबसे मिनिमम वाला लेते हैं, वी ऑलवेज टेक द मिनिमम वन, वी डोंट टेक द एक्सटीरियर एंगल, ओके। सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक वेक्टर को आप रोटेट कर दो 360 डिग्री से, कोई चेंज नहीं होता है उसमें। एक वेक्टर को आप प्लेन में कहीं पे भी मूव करो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बिकॉज नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस एंड सम कॉन्सेप्ट्स, उसमें आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ओके। किसी को कोई डाउट, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट, आ रहा है समझ में, ठीक है, चलो ठीक। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देखो हमने एनालिटिकल मेथड ऑलरेडी पढ़ लिया था, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ और ये पैरेललोग्राम लॉ, हमने ऑलरेडी एनालिटिकल मेथड पढ़ा था। कैसे, सपोज ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं कैसे निकालता था मैग्नीट्यूड, how you I used to find magnitude, I used to apply a normal method like vector c is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Now if I want to find the resultant, dekho hamesha yaad rakhna, whenever I am having two vectors a and b, I am having two vectors a and b, when I am finding their resultant kya hoga, inke beech se jayega, resultant will be between them. So, अगर ये A और B है और मैं resultant लेता हूँ C, तो C क्या होगा, दोनों के बीच से जाएगा, दोनों के tail साथ में connected है vectors के, देखो दोनों vectors के tail साथ में connected है, तो resultant होगा तो vector C वो भी tail से start होगा, उसका head आगे बढ़ेगा, और head कितना बड़ा होगा, sorry magnitude है, तो C की value आएगी वो मेरा क्या हो जाएगा, length हो जाएगा इस vector का, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे, मैं डायरेक्शन वेक्टर ऐसे निकालता था, आई शुड फाइंड वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है, फाई इक्वल टू टेन फाई इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, सॉरी आई रोट रॉन्ग, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कितनों को याद है ये, हाउ मेनी नो दिस, हाउ मेनी रिमेंबर दिस, याद है, हमने पेपर के लिए पढ़ा होगा, राइट, ठीक है। अब देखो मैं ये पार्ट जो है, जो एनालिटिकल पार्ट है, दैट आई कैन इवन डू विद ज्योमेट्री, उससे क्या होता है, टाइम बहुत बच जाता है, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड में दो पार्ट है, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ एक पार्ट है, एक पैरेललोग्राम लॉ है। इन दोनों पार्ट में फर्क क्या है, आई फर्स्ट एड पैरेललोग्राम लॉ बिकॉज अभी मैंने आपको बताया। सपोज सी आई टेक अ वेक्टर ए एंड आई टेक अ वेक्टर बी, नाउ व्हाट आई विल डू, आई नो वेक्टर ए आई नो वेक्टर बी, अब रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीच से जाएगा, दैट आई ऑलरेडी नो। हाउ आई कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, सी इफ आई नो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड इफ आई नो द एंगल बिटवीन देम, if I know the vector a and vector b and if I know the angle between them, what I have to do, मैं क्या करूँगा, इसका पैरेललोग्राम बना दूंगा। सपोज ये 5 है, ये 30 है, ये 4 है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से पैरेललोग्राम बना दूंगा, I'll make the parallelogram और जो डायगनल है तो इस डायगनल की लेंथ होगी, तो इस डायगनल की लेंथ होगी वो क्या मिल जाएगा मुझे, दैट विल बी माय रिजल्टेंट।
फाइव और फोर, डायगनल की लेंथ कैसे निकालेंगे आप? स्केल से, एक पैरेललोग्राम बना देना, स्केल से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। आप इसको एनालिटिकली भी फाइंड कर सकते हो, कैसे? अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 कॉस 30 इंटू रूट 3 बाई 2। अब सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 41 प्लस 20 रूट 3। अब रूट 3 के वैल्यू डाल के डबल रूट करोगे, काफी टाइम टेकिंग है, लेकिन इससे आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, यू कैन वेरी क्विकली गेट। ये क्या है? मेरा पैरेललोग्राम जो है, और जो ये डायगनल का एंगल होगा, जो डायगनल का एंगल होगा वो 5 हो जाएगा, जो हमने अभी पीछे फाइंड किया था, जो हमने 5 फाइंड किया था वो 5 हो जाएगा। तो क्या, आई विल रिपीट, कितनों को समझ में आ रही है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? और क्या, आई विल एक्सप्लेन अगेन, आई विल एक्सप्लेन। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम ग्राफिकल मेथड होता है। किस क्या फाइंड करने के लिए? ग्राफिकल मेथड फाइंड करने के लिए आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज, ओके स्टूडेंट, अभी आपको मैं एक एक्टिविटी करवाता हूं, आप घर में करना, ठीक है? सपोज मेरा एक वेक्टर है 3 यूनिट्स, एक है 4 यूनिट्स, ये 4 ले लेता हूं, ये 3 यूनिट्स, इनके बीच का एंगल मेरा 60 डिग्री। अब देखो मैं रिजल्टेंट फाइंड करता हूं इसका, तो कैसे करूंगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 60। क्या मिलेगा मुझे? 16 प्लस 9 25 प्लस कॉस 60 और 2 कट जाएगा प्लस 12, क्या जाएगा? अंडर रूट ऑफ 37, ठीक है? अब मैं दूसरा मेथड क्या करता हूं, मैं स्केल लेता हूं, मैं एक वेक्टर बनाता हूं 4 यूनिट्स, मैं एक वेक्टर बनाता हूं 3 यूनिट्स, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री रखता हूं, फिर इसका पैरेललोग्राम बनाता हूं। आई कैन इसके पैरेलल 4 यूनिट्स बना दो, इसके पैरेलल 3 यूनिट्स बना दो, ये डायगनल ले लो। व्हेन यू ड्रॉ दिस डायगनल, दिस विल ऑल्सो बी रूट 37 विथ स्केल, दिस ऑल्सो विल बी रूट 37 विथ स्केल। और जो एंगल होगा, अब देखो इसका एंगल कैसे निकलेगा, tan phi इज इक्वल टू 3 sin 60 अपॉन 4 plus 3 cos 60। इसको आप सॉल्व करोगे तो एंगल आएगा 5। जब स्केल रखोगे, इस डायगनल पे स्केल रखोगे तो ये भी 5 होगा। मतलब एनालिटिकल मेथड और जो ग्राफिकल मेथड है मेरा, दोनों सेम आ सकते थे। आ रहा है समझ में साहिल? आया समझ में कल्पना? अब ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ तो आ गया, ट्रायंगल लॉ क्या होता है? देखो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, अगर आई हैव सम वेक्टर ए गोइंग फ्रॉम, काफी ने पढ़ा होगा ये, सी इफ आई हैव अ वेक्टर ए गोइंग फ्रॉम ए टू बी इन अ ट्रायंगल एंड आई हैव अ वेक्टर बी गोइंग फ्रॉम बी टू सी, तो इनका सम होगा, तो इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या होगा, वो थर्ड साइड जाएगा। अब देखो हाउ आई एम राइटिंग वेक्टर, आई एम गोइंग फ्रॉम टेल, देखो टेल ऑफ वेक्टर ए से आई एम गोइंग टू हेड ऑफ वेक्टर ए। अब वेक्टर बी का टेल दूसरे के हेड से कनेक्ट है, मतलब बोगी की तरह, इज गोइंग लाइक बोगी, ऐसे बी जा रहा हूं, फिर बोगी अगली कहां जा रही, टेल से हेड, तो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर के टेल से कनेक्ट होकर लास्ट वेक्टर के हेड में कनेक्ट होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। सो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सपोज मेरा वेक्टर ए है 3 7 है सपोज, और वेक्टर बी सपोज ये 30 डिग्री के साथ वेक्टर बी मेरा 6 है। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो इनका रिजल्टेंट आंसर क्या होगा, इनका रिजल्टेंट आंसर वेक्टर सी होगा। अब स्केल लेना, अब ए बी बनाना 7 यूनिट्स का, 30 डिग्री पे बी बनाना 6 यूनिट का, आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा, तो फाइनल आपको लेंथ मिलेगा सी का, वो क्या होगा मेरा
लेंथ हो जाएगा, तो आपको स्केल से मिलेगा। समझ नहीं आ रहा है सर। ओके अगेन आई एक्सप्लेन। सपोज आई टेक अ वेक्टर, एक वेक्टर लेता हूं मैं, 6 यूनिट का वेक्टर है, 6 यूनिट का है। मैं है वेक्टर ए है, वेक्टर ए की टेल लूंगा मैं और हेड लूंगा। अब मैं एक वेक्टर बी लूंगा 4 यूनिट्स का, ये इसकी टेल हो गई और इसका हेड हो गई। अब मुझे ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी करना है, मुझे ए प्लस बी करना है। तो मैं, मेरा ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा पहले वेक्टर का टेल तो मैं दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दूंगा, ये क्या आ जाएगा मेरा वेक्टर सी आ जाएगा। तो जो स्केल से मेरा लेंथ आएगा सी का, तो स्केल से मेरा लेंथ आएगा सी का, वो क्या होगा, एडिशन हो जाएगा दोनों का, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन, मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये लेंथ क्या है मेरा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। जिस तरह से पैरेललोग्राम लॉ में मुझे पैरेललोग्राम में जो डायगोनल मिलता था ये मैग्नीट्यूड दे देता था, डायगोनल यूज्ड टू गिव मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ये थर्ड साइड क्या देगा मेरे को, मैग्नीट्यूड देगा। और जो मैं ये वेक्टर ए के साथ जो ये मैं एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है, तो ये वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है ठीक फाई, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्शन हो जाएगा। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस। सी ट्रायंगल लॉ में कोई एनालिटिकल मेथड नहीं है, देयर इज नो एनालिटिकल मेथड इन ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में एनालिटिकल मेथड नहीं है, ट्रायंगल लॉ में कोई एनालिटिकल मेथड नहीं है, देयर इज नो एनालिटिकल मेथड इन ट्रायंगल लॉ। एनालिटिकल मेथड में सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ। सपोज ये आपका एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल थीटा है। तो देखो आप ऐसे इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए को शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसा, यू हैव टू शिफ्ट वेक्टर ए, हाउ, आगे ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, और जो अब ये एंगल बनेगा ये 180 माइनस थीटा बनेगा। क्योंकि एनालिटिकल मेथड के लिए क्या है, दोनों की टेल मिलनी चाहिए, दोनों की टेल मिलनी चाहिए, दोनों की टेल मिलनी चाहिए, तो इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और एंगल चेंज हो जाएगा। बट ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, आपको एक का हेड दूसरे की टेल से लगाना होता है, एक का हेड दूसरे की टेल से लगाना होता है। देखो दोनों में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ट्रायंगल लॉ में हेड टेल लगता है, पैरेललोग्राम में सिर्फ टेल कनेक्ट होते हैं, सिर्फ टेल कनेक्ट होते हैं, हेड बाहर निकलते हैं, रिजल्टेंट सेम रहेगा। देखो आप ट्रायंगल लगाओ या पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, आपने ये बी और ए लिया, ये थीटा था 180 माइनस थीटा था, आप ये पैरेललोग्राम बनाओगे, आप डायगोनल कनेक्ट करोगे और इसमें क्या करोगे, आप डायरेक्ट ये कनेक्ट करोगे। ये सी और ये सी सेम है, दोनों सी सेम है, बस करने का तरीका अलग है। इसमें क्या है, दोनों की टेल कनेक्ट करके हेड को बाहर खींचते हैं, इसमें ट्रेन की बोगी की तरह हेड और टेल आपस में कनेक्ट होते हैं, पहले का हेड दूसरे की टेल से कनेक्ट होगा। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस। आ रहा है समझ में, चलो ठीक है। नाउ सी, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। उस क्वेश्चन से पहले आपको एक पॉलीगॉन लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखो पॉलीगॉन लॉ ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। सपोज ये वेक्टर ए है, टेल से हट जा रहा है, फिर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैसे जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। देखो पहले वेक्टर का टेल से मैं दूसरे आखिरी वेक्टर का हेड कनेक्ट कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। Now suppose if I want to find A plus B plus C, if I want to find A plus B plus C, तो A का tail को मैं C के head से connect करूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा A plus B plus C।
अगर मुझे ए प्लस बी निकालना है, ए के टेल को बी के हेड से कनेक्ट करना है, तो ये मेरा ए प्लस, ये वाला मेरा ए प्लस बी हो जाएगा। सो पॉलीगॉन लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन। अब स्केल लेके कुछ नहीं करना है, स्केल लेके ये निकाल लोगे तो आपको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वैसे स्केल लेके ये निकाल लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब ये करोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेके करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। ठीक है, आया समझ में? तो ठीक है, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। लेमिट्स थ्योरम पे आई विल कम बैक। ओके, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सी, देखो सी जा रहा है तो ए जा रहा है, बोगी की तरह कनेक्टेड है, राइट? सी का हेड ए के टेल पे कनेक्टेड है, सी का हेड ए के टेल पे, तो आई कैन राइट सी प्लस ए इक्वल टू। अब देखो ये टेल आपस में कनेक्टेड है, फाइनल ए के हेड पे जा रहा है, इक्वल टू बी। कितनों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? अब याद रखना, वेक्टर को प्लेन में मूव कर सकते हो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है। अब वेक्टर को मूव कर सकते हो, मतलब क्या, ए को आप मूव करके यहां ला सकते हो, बी को आप मूव करके यहां ला सकते हो, एफ को आप मूव करके यहां ला सकते हो। अब वेक्टर्स को आपस में मूव कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें देखो, मेरे को ए बी सी डी ई एफ हवा में प्लेन में एक प्लेन में वेक्टर्स दिए, मुझे देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी ये रहा मेरा और वेक्टर सी ये रहा, वेक्टर एफ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर एफ ऐसा है। देखो ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि देखो b और c का फाइनली इसका सम क्या होना चाहिए था, वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्या होना चाहिए था, वेक्टर b प्लस वेक्टर c कैसा होना चाहिए था? वेक्टर b ऐसे जाता, वेक्टर c ऐसे जाता, सम इसका ऐसे जाना था, सम इसका ऐसे जाना था, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये गलत हो गया। वेक्टर d प्लस वेक्टर c, वेक्टर d ऊपर जा रहा है, वेक्टर c ऐसे जा रहा है, सम क्या जाना चाहिए, सम इसका ऐसे आना चाहिए, दिस शुड बी द सम, बट वेक्टर एफ उल्टा जा रहा है, वेक्टर एफ ऐसा जा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, दोनों क्या अलग है। वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ, सही है? क्यों? देखो ये और ये का फाइनली ऐसे जाना चाहिए, और f में f follows this pattern, f follows this pattern, b plus e equal to f, vector b plus vector e कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, f क्या है? ऐसा है, गलत है, तो d भी गलत है। ठीक है, कितनों को समझ में आया ये? How many understood this? आ रहा है समझ में? इसे कोई डाउट नहीं? चल ठीक है, स्टूडेंट्स Now I will ask you some questions. You have to tell me what is vector A plus vector B plus vector F. Vector A plus vector B plus vector F is equal to.
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए? तो ठीक है, देखते हैं वेक्टर ए ऐसा जा रहा है, वेक्टर बी कैसा जा रहा है मेरा, ऐसा जा रहा है। वेक्टर एफ कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो ए प्लस बी प्लस एफ क्या हो जाएगा, देखो अब ध्यान से देखो, देखो फाइनली क्या होगा, एफ का हेड और ए का टेल के बीच का डिस्टेंस होता है राइट, सम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, जीरो। देखो जब भी हम साइक्लिक लेते हैं, साइक्लिक साइक्लिक मतलब क्या, एक ऑर्डर में लेते हैं वेक्टर्स को, तो सम जीरो हो जाते हैं। कितनों का आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? अथर क्या डाउट है आपको, प्रज्वल क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया? देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर एफ, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर एफ ये रहा। अब देखो वेक्टर ए बी एन एफ, ए बी एन एफ साइक्लिक ऑर्डर में, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एफ भी बोल सकते हो। क्यों, देखो अगर मैं वेक्टर ए लेता हूं और वेक्टर बी लेता हूं तो ए प्लस बी मेरा ऐसा आना चाहिए, अगर मैं थर्ड डायरेक्शन को भी, थर्ड डायरेक्शन को भी, थर्ड डायरेक्शन को भी ऐसे ले रहा हूं, तो देखो आपस में हेड, देखो तीसरे का हेड और पहले का टेल के बीच में डिफरेंस ही नहीं है। अगर मेरा कुछ ऐसे रहता, वेक्टर ई ऐसे रहता, वेक्टर बी ऐसे रहता और वेक्टर सी ऐसे रहता या वेक्टर एफ ऐसा रहता, तो ए प्लस बी प्लस एफ कैसा हो जाता, ए प्लस बी प्लस एफ फाइनली रिजल्टेंट क्या आता मेरा, एक का लास्ट वाले का हेड पहले वाले का टेल, ये मेरा सम हो जाता। लेकिन इसमें अब डिफरेंस ही नहीं है, इसमें कोई डिस्टेंस ही नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एफ का हेड और ए का टेल आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा सम, साइक्लिक। आगे समझ में सर, प्रज्वल आया समझ में? ओके नाउ, ओके नाउ यू आंसर माय दिस क्वेश्चन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, इनका सम क्या होगा, व्हाट विल बी सम ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, जीरो होगा, यस वेरी गुड, ओके। व्हाट विल बी सम ऑफ, व्हाट विल बी सम ऑफ वेक्टर ए प्लस, सॉरी वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर एफ इज इक्वल टू, कैसा आएगा, देखो C प्लस A, A भी इसके साथ स्ट्रेट जाएगा एंड F, C प्लस A प्लस F कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दिस इज माय सम, C प्लस A प्लस F, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ इट, C प्लस A प्लस F, इट विल गो लाइक दिस। कितनों को आया है समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, आया तो ठीक है। नाउ आई आस्क यू,
आई आस्क यू क्वेश्चन बी प्लस सी प्लस एफ का क्या होगा? बी प्लस सी प्लस एफ फर्स्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी हाउ यू विल ड्रॉ? यस बी प्लस सी प्लस एफ वेक्टर बी क्या ऐसा सी क्या ऐसा एफ क्या ऐसा तीनों साइक्लिक है जॉइन हो जा रहे हैं जीरो के वेक्टर बी माइनस सी हाउ यू विल ड्रॉ वेक्टर बी माइनस सी हाउ यू विल ड्रॉ वेक्टर बी माइनस सी देखो बी मेरा ऐसा जाता है अब देखो मेरा वेक्टर सी ऐसा है तो माइनस सी उल्टा जाएगा माइनस सी उल्टा जाएगा तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी फाइनली रिजल्टेंट कैसे आएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा दिस विल बी माय रिजल्ट कितनों को बना सेकंड Can you add A plus B plus C plus D plus E plus F? And can you draw the resultant? You just need to draw figure. I just wanted to draw figure. Figure banao, figure. Jaise A aisa aayega. B aisa aayega. C aisa aayega. D aisa aayega. E aisa aayega. Aur F ऐसा है तो बनने दो जैसा बन रहा है बनने दो रिजल्टेंट क्या होगा मेरा A to F ऐसा है कितनों का ऐसा है हाउ मेनी गॉट लाइक दिस कितनों का समझ में आया कितनों का ऐसा बना देखो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है आपको क्या समझ में आ रहा है when you are doing a plus b plus c plus d plus e plus f when you are doing a plus b plus c plus d plus e plus f when you are getting b c d e equal to 0 b plus c plus d plus e equal to 0 b plus c plus d plus e equal to 0 अगर आप देखोगे भी देखो b और d एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्यों ऑपोजिट है c और e एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं फाइनली क्या बच रहा है हमारे पास ए और एफ तो यहाँ पे देखो ए और एफ ही आया और ये मेरा सम हो जाएगा आ रहा है समझ में हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस तो देखो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो काफी हेल्पफुल रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ व्हाट आई कैन डू आई कैन थोड़ा दिमाग लगा के आई कैन राइट वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी को क्या कर दूंगा मैं माइनस वेक्टर डी लिख दूंगा वेक्टर सी को क्या कर दूंगा मैं माइनस वेक्टर ई लिख दूंगा मैं क्या करूंगा डी और डी कट जाएगा ई और ई कट जाएगा ए प्लस एफ आ जाएगा आपको हर तरीके से समझा रहा हूँ आई एम टीचिंग यू ऑलवेज सो दैट यू गेट द आंसर आ रहे समझ में तो ठीक है अभी हमने ट्रायंगल लॉ से पढ़ा अभी हमने ट्रायंगल लॉ से किया नाउ वी डिड यू ट्रायंगल लॉ तो आई वॉन्ट टू डू सम थिंग्स विद पैरेललोग्राम लॉ ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू विद पैरेललोग्राम लॉ ऑल्सो ओके आई एम रेजिंग दिस ओके आई हैव वेक्टर सी प्लस
वेक्टर, वेट वेट, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, कैन यू डू विद पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की टेल जोड़ने पड़ेगी, यू हैव टू ऐड टेल। वेक्टर डी का टेल कैसा है? वेक्टर डी का टेल ये रहा, वेक्टर ई का टेल ये रहा, क्या आएगा सम? बीच से निकलेगा, मैंने बताया दोनों का सम बीच से निकलता है, कहां से जाएगा? कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? अब देखो ट्रायंगल को, इसको दोनों को कंपेयर करो, सो ये बी है, मैंने क्या लिखा? डी प्लस सी, यस डी प्लस सी, डी प्लस सी। अब देखो आप ट्रायंगल को भी कंपेयर करोगे, डी प्लस ई कैसा आएगा आपका? ऐसा आएगा। तो देखो दोनों मेरे सेम आ रहे हैं, दोनों में सेम आ रहे हैं, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। बोथ आर सेम बट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। कितनों को समझ में आया? देन आई एम मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कितनों को समझ में आया? तो ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप बोल रहे हो, ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन। कैन यू डू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई विद बोथ विद ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम? कैन यू डू बोथ विद ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम? B plus E, B plus E, B plus E, ट्रायंगल से E आएगा, राइट? अब मैं इससे करता हूं पैरेललोग्राम से, B मेरा नीचे जाएगा, और ई मेरा ऐसे जाएगा, ई नीचे जा रहा है, ई राइट जा रहा है, ओके सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये ऐसे जाएगा, पहले का टेल दूसरे का है, और बी प्लस ई भी ऐसे जाएगा। हाँ थैंक यू वेरी मच, देखो सेम आ रहा है, बस फर्क क्या है?